नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और जो खबर सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर अच्छी खबर नहीं है। जेडीयू के एमएलसी, सरकार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ी है। नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और कितनी बिगड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीरज कुमार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले यह जानकारी कि नीरज कुमार की तबीयत एक बार पहले भी बिगड़ी थी, उनको पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों तक वो भर्ती कराए गए थे, उनके दिल में कुछ इक्विपमेंट लगाए गए, सर्जरी हुई और उसके बाद नीरज कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो घर आ गए थे, स्वस्थ हो रहे थे, लेकिन अचानक फिर ये खबर आती है कि नहीं, तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनको बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। नीरज कुमार पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, मुखर प्रवक्ता माने जाते हैं और पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेवारी सौंपी है, तो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए बड़ा झटका है। ऐसे वक्त में जब बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे वक्त में जब नीरज कुमार की जरूरत है, वो बुरी तरह से अस्वस्थ हैं और एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। जय माता जी, जय बाबा वीरनाथ, जय बाबा वीरनाथ, जाइए आनंद से। देखे थे वो करा का है ला ये बे आज अंदर। हां आपको सामने रखा है, अंदर बैठ जाओ। चलो एक ही शायद आ जाए थोड़ा।